हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लॉ एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन उत्कर्ष लॉ क्लासेस। दिस इज हसीब चौहान, मेंटर फॉर योर लीगल रीजनिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी गोना स्टार्ट अनदर न्यू पेपर फ्रॉम ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स। 2021 का पेपर है और लीगल रीजनिंग का पार्ट, इसको भी हम दो टुकड़ों में ही पूरा सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको एक डिटेल एनालिसिस मिल जाए, हर एक चीज का बारीक से ऑब्जर्वेशन मिल जाए कि एग्जाम में आपको कैसे अटेंड करना है। चलिए सबसे पहले देखिए, पैराग्राफ है, हार्म सफर्ड वॉलेंट्री डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल इंजरी एंड इज नॉट एक्सनेबल। अगर आपको पता है कि उसमें रिस्क क्या है, इफ यू नो दैट व्हाट अमाउंट ऑफ रिस्क टू बी मेड इन योर लाइफ इन योर प्रॉपर्टी, फिर भी आप वो रिस्क उठाते हैं तो फिर आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते। प्रिंसिपल क्या है, ये इस मैक्सिम पर बेस्ड है, VNFI, वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरी, अ पर्सन कैन नॉट कंप्लेन ऑफ हार्म टू द चांस ऑफ विच ही हैज एक्सपोज्ड हिमसेल्फ विद हिज फ्री कंसेंट। अपनी मर्जी से वो काम कर रहा हो और उसे पता है कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, फिर भी वो कर रहा है। द मैक्सिम वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया इज फाउंडेड ऑन गुड सेंस एंड जस्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गुड सेंस और जस्टिस की बात है। हमेशा एम्प्लॉयर पर ही दबाव क्यों बनाया जाए कि आप कंपनसेशन दीजिए। अरे भाई, जब मैंने इसको बोला था कि यहां पर काम करना है, इसको सब बता दिया था कि इतना रिस्क है, फिर भी काम करना चाहोगे, उसने कहा हाँ, तो वाई शुड एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंपनसेशन। अ पर्सन हु हैज इन्वाइटेड और असेंटेड टू एन एक्ट बींग डन टूवर्ड्स हिम cannot when he suffers from it complain of it as a wrong। मैंने खुद अपने आप को मुसीबत में डाला है, फिर बाद में मैं ही कह रहा हूं कि सर मुझे कंपनसेशन भी चाहिए। ठीक है, द मैगजीन प्री सपोज अ टॉर्टियस एक्ट बाय द डिफेंडेंट। द मैगजीन अप्लाइज इन द फर्स्ट प्लेस टू इंटेंशनल एक्ट। ठीक है, कौन से एक्ट है, इंटेंशनल एक्ट है, अपनी मर्जी से किए हुए एक्ट है, which would otherwise be tortious, जो normal case में tort liabilities पैदा करते हैं। There are certain limitation to the application of this maxim। तो सबसे पहली बात करता है non voluntary non fit injury, अपनी मर्जी से किए गए free consent से किए गए काम, हाँ बैल मुझे मार वाले काम compensation के लायक नहीं है। लेकिन इसके कुछ exception है, कुछ limitations है, कहाँ कहाँ पर यह maxim applicable नहीं होगा। अपनी मर्जी से मैंने मुसीबत को गले लगाया, फिर भी मैं compensation claim करूंगा। देखिए, इट इज नो आंसर टू अ क्लेम मेड बाय वर्कमैन अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर फॉर इंजरी कॉज थ्रू अ ब्रीच बाय द एम्प्लॉयर ऑफ अ ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन हिम बाय अ स्टैट्यूट। किसका मतलब ये नहीं, एम्प्लॉयर हमेशा के लिए फ्री है, वो टॉर्टियस एक्ट में नहीं आएगा, लेकिन WCR में जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी में जाएगा, लेबर लॉ में जाएगा। अगर मान लो एक फैक्ट्री में मैं एज अ लेबर काम कर रहा हूँ, एज अ मजदूर काम कर रहा हूँ, और आपने तो कह दिया कि जहां पर आप काम कर रहे हो एम्प्लॉयर ने आपको बताया क्या क्या रिस्क है, मैंने कहा यस, फिर भी आप काम कर रहे हो, मैंने कहा यस, तो अगर आपको नुकसान होता है तो टॉर्टियस लाइबिलिटी नहीं है, मैंने कहा नो, गलत बात। तो गवर्नमेंट ने कहा हमने उसके लिए अलग लॉ बनाया है, लेबर लॉ बनाया है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है, आपको मिलेगा, घबराओ मत, बस वो टॉर्टियस लाइबिलिटी नहीं है, सिविल केस नहीं है। बट वेयर द नेग्लिजेंस ऑफ ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी इज ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉय of the plaintiff who knowingly accept the risk flowing from breach and the employer defendant is not guilty of negligence or breach of statutory duty, the defense of voluntary non-fit injury is available to the defendant। लेकिन आप शराब के नशे में काम कर रहे हो, फैक्ट्री में शराब पीकर आ गए हो, अब आप कहते हो कि सर मेरा हाथ कट गया, तो किसने कहा था शराब पीकर आने को, ऐसे केस में एम्प्लॉयर भी लायबल नहीं होगा। चलिए दूसरा एक और एक्सेप्शन है, अंडर एन एक्सीजेंसी कॉज्ड बाय द डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल मिसकंडक्ट कंसाइसली एंड डेलिबरेटली फेस द रिस्क इवन ऑफ डेथ वेदर द पर्सन एंडेंजर इज वन टू होम ही ओज अ ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली और इज अ मियर स्ट्रेंजर टू होम ही ओज नो सच स्पेशल ड्यूटी। The rescuer will not be deprived of his remedy merely because the risk which he runs is not the same as that run by the person whom he rescue,
But where there is a no need to take any risk, the person suffering harm is doing so cannot recover. अभी एक और केस है, मेरे सामने किसी का बैल बंधा हुआ था चौक में, रास्ते के चौराहे पर। उस बैल ने रस्सी तुड़वाई और भागने लगा और मुझे पता चल गया, मेरी तरफ ही आ रहा था वो, और मुझे पता चल गया थोड़ी दूर पर कुछ बच्चे, स्कूल के बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो वो बैल उनको मारता। अब उन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं पुलिस वाला भी नहीं हूं, फिर भी मैंने कैसे भी करके उस बैल को कंट्रोल किया, तो यहां से मेरी एक हड्डी चटक गई हाथ की, तो बैल का मालिक कंपनसेशन देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डेंजर सिचुएशन थी, तो विल नॉट बी डिप्राइड, मुझे मना नहीं किया जाएगा रेमेडी के लिए। अब एक और सिचुएशन ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट कहता है कि जरूरत नहीं थी रिस्क लेने की, फिर भी आप तो सिंघम बनने निकले। अब वही बैल जो है खेतों में भागता है, जंगलों की तरफ जहां पर कोई आबादी नहीं रहती है, मैं फिर भी पीछे पीछे जा रहा हूं, और उसको पकड़ा और हड्डी चटक गई, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि कोई सामने रिस्क था ही नहीं। समझ गए ना? ये टू कवर अ केस ऑफ नेग्लिजेंस, द डिफेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिम मस्ट बी बेस्ड ऑन इंप्लाइड एग्रीमेंट whether amounting to contract or not. The defense is available only when the plaintiff freely and voluntarily willful knowledge of the nature and extent to the risk impliedly agreed to incur it and to waive any claim for injury. But when the plaintiff has no choice or when the notice is given at a stage when it is beyond the ability of plaintiff to make a choice, there can be no implied agreement and the defense on the basis of maxim must fail. अब अगला पॉइंट कहता है कि अगर आपकी नेग्लिजेंसी है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें वो काम करना मना है, आपने अपनी मर्जी से वो काम किया बिना किसी की इजाजत के, तो उम्मीद भी मत करना कि आपको कोई पर्टिकुलर कंपनसेशन मिलेगा, एम्प्लॉयर फ्री हो जाएगा। द मैक्सिम ऑल्सो नॉट अप्लाई व्हेन द एक्ट रिलाइड अपॉन इज डन बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल कंडीशन विच द डिफेंडेंट्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी हैड इंड्यूस्ड। अब मान लो साइकोलॉजिकल कंडीशन में, आवेश में आकर, कोई गुस्से में आकर, पागलपन में आकर कोई ऐसा काम करता है, तो वहां पर फिर ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन देखिए। मिस्टर ए वॉज द ओनर ऑफ अ कार एंड ही हैड अ ड्राइवर मिस्टर डी। एक कार का मालिक है, उसका ड्राइवर है डी। 19 जनवरी 2021 को मिस्टर ए और डी ट्रेवलिंग इन देयर कार वेयर इन मिस्टर ए गॉट डाउन एट द रेस्टोरेंट एंड टोल्ड मिस्टर डी टू टेक द कार बैक टू मिस्टर एज बंगलो। दोनों चले, मालिक पीछे बैठा था, एक रेस्टोरेंट पर मालिक उतरा और उसको बोला घर पर ले जा कार को, मैं यहीं रुकूंगा दिन भर, ठीक है। मिस्टर डी वॉज फिलिंग द पेट्रोल टैंक ऑफ द कार एंड टू स्ट्रेंजर्स बी और सी took a lift from D in his car. दोनों ने लिफ्ट ली। The car went ahead and the right side front wheel of the car flew away. सामने वाले हिस्से का अगला राइट हैंड का टायर जो था वो फ्लू अवे हो गया, एकदम से बैलेंस बिगड़कर निकल गया। The car toppled and Mr. D and Mr. C were thrown out. कार घूम गई, गुलाची खा गई, और सी और डी जो पीछे बैठे थे, मतलब सॉरी डी ड्राइवर था और सी जो है जो एक और था, बी तो अंदर ही रहा बेचारा, थ्रोन आउट। मिस्टर सी सस्टेन्ड सीवियस इंजरीज एंड अल्टीमेटली डाइड ड्यू टू दोज इंजरीज। मिस्टर सी मर गया। जनवरी 20 को ही बी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी जो मर चुका था, उन्होंने क्लेम किया कंपनसेशन कार के मालिक से और ड्राइवर से। तो क्या ए या डी लायबल होंगे, दोनों लायबल होंगे, या दोनों में से कौन लायबल होगा, ध्यान से देखिए। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी एप्लीकेबल, नो कंपनसेशन कैन बी क्लेम्ड। बस सिंपल है, मैक्सिम लग गया, दोनों के दोनों बैठे थे अपनी मर्जी से, फ्री कंसेंट से। नंबर दो, रोड पर चलना कोर्ट का अजम्पशन है कि यह एक रिस्क प्लेस है, ये एक रिस्क वाला प्लेस है, आप अपनी मर्जी से कार में बैठे हो लिफ्ट लेने के लिए, तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नंबर दो, क्या ड्राइवर की नेग्लिजेंसी की वजह से कार का टायर निकलकर भागा? नहीं सर, नेचुरल कैलमिटी थी, अचानक हो जाते हैं एक्सीडेंट, तो ऐसे केस में किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए।
Rama was a spectator at a motor car race being held on a track owned by the defendant company. During the race, there was a collision between two cars. One of the car was thrown among the spectators, injuring Rama severely. Which of the following statement is correct? रामा जो है कार रेस देखने के लिए गया, दो कारों के आपस में कॉलिजन हो गया, भिड़ंत हो गई, एक कार के कुछ टुकड़े उछलकर स्पेक्टेटर्स पर गिरे, दर्शकों पर गिरे, रामा को चोट लगी। आप बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। देखो ध्यान से सुनना, रामा इम्प्लाइडली टुक द रिस्क ऑफ सच इंजरी, द डेंजर बींग इनहेरेंट इन द स्पोर्ट्स विच एनी स्पेक्टेटर कुड फोरसी, द डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल। सिंपल है, यहीं पर मिल गया। जब आप कार रेस देखने जाते हो, मैच देखने जाते हो, फुटबॉल का मैच देखने जाते हो, या ऐसा कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए जाते हो जिसमें आपको पता है कि इसमें रिस्क है, फिर भी आपने टिकट खरीदा, वहां पर बैठे, तो ये इंप्लाइड कंसेंट है कि जी हाँ सर, मैं मैच देखने आया हूं लेकिन मुझे पता है कि यहां पर ऐसी रिस्क वाली हरकतें होती रहती है, तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कंसेंट इन वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। कंसेंट का सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट, नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट प्रिसीड कंसेंट, नॉलेज ऑफ द रिस्क ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट, मियर परसेप्शन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डेंजर अमाउंट टू कंसेंट। अब देखो यहां पर ये क्या कह रहा है कि वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया के मैक्सिम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, किसके बारे में? कंसेंट के बारे में, कि कंसेंट किसे कहेंगे। तो देखो पहला क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट। आपको सिर्फ नॉलेज है कि कितना रिस्क है, तो इसका मतलब कंसेंट नहीं हो। जब तक मैं टिकट नहीं खरीदता, मुझे लगा कि नहीं यार, ये वाली कार रेस में तो मैं नहीं बैठूंगा, ना मैं तो नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है, तो यहां मैं अंदर आया ही नहीं सर जी। Knowledge of the risk does not always amount to consent. हर बार यही problem देकर आप बच नहीं सकते। अगर मान लो किसी particular person को जबरदस्ती बिठाया गया कि सर हमारे दर्शक कम है और टीवी में इंटरव्यू भी देना है, पीछे लोगों की भीड़ नहीं दिख रही है, आप प्लीज सब लोग इधर आइए बैठिए, वो सब लोग बैठते हैं, फिर सडनली एक कार का एक्सीडेंट होता, तो उन सबको जबरदस्ती बिठाया गया, फ्री कंसेंट से नहीं बिठाया गया, समझ रहे हो ना। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉलेज ऑफ रिस्क ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ रिस्क डज नॉट प्रिसिडेंट कंसेंट। क्या आपको नॉलेज है? आपको नॉलेज है पहले से ही, तो पहले से ही अगर किसी चीज की नॉलेज है कि उसमें कितना रिस्क है, तो प्रिसिडेंट कंसेंट नहीं होता, मतलब भविष्यवाणी वाला कंसेंट, पहले से हमें पता है। नॉलेज ऑफ रिस्क ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट तो कभी हो ही नहीं सकता। मियर परसेप्शन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डेंजर अमाउंट टू कंसेंट, कि सिर्फ अंदाजा लगा देना कि कितना डेंजर है उसी को कंसेंट माना जाएगा, नहीं। तो ये ऑप्शन एकदम सही बैठता है, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, कि अगर आपको पता है कि जानबूझकर आप रिस्क ले रहे हो तो फिर उस केस में आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट ऑलवेज, सिर्फ यहां पर एक वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट नहीं होता। अब ये देखिए, लिली हैड प्लेस स्प्रिंग गन्स इन अ वुड ऑन हर ग्राउंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गार्डन, करण विथ फुल नॉलेज दैट देयर वॉज स्प्रिंग गन इन द वुड, जंगल में ट्रेस पास्ट। देखो इसको नॉलेज भी था कि वहां पर एक गन है, मतलब स्प्रिंग गन्स है, जो किसी की आदमी की आहट से या चोर उचक्कों की आहट से वो चलने लग जाती है, फिर भी उसने अतिक्रमण किया, ट्रेस पार्ट किया ऑन द लैंड ऑफ लिली एंड वॉज इंजर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या लिली रिस्पॉन्सिबल होगी या नहीं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी। लिली लायबल? नहीं। लिली हैज नॉट कमिटेड अ टॉर्ट अगेंस्ट करण By exceeding her right of private defense, private defense की तो बात ही नहीं हो रही, हमला थोड़ी कर रहा है कोई। Current case does not fall within the voluntary non-fit injuria. Karan had knowledge of the spring guns and willfully courted the danger himself. अब देखो इस क्वेश्चन में देखा जाए ना तो सी और डी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है, क्योंकि करण का केस voluntary non-fit injuria में fall नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो करण को पहले से ही नॉलेज था स्प्रिंग गन के बारे में, फिर भी उसने ट्रेस पार्ट किया, डेंजर खुद ने अपनी मर्जी से उठाया है, तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा मोर तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसीलिए ये ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
Which of the following is not an element to claim the defense of voluntary non-fit injuria? Following is not an element. ठीक है, element नहीं है voluntary non-fit injuria का. देखिए, prior knowledge of the plaintiff about the risk involved. पहले से किसी चीज का knowledge होना, सिर्फ बातें पता होना, तो वही है final, यही not element. नहीं सर, सिर्फ knowledge होना काफी नहीं है, आप उसको apply भी करें, consent भी दें. फ्री कंसेंट तो है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं था कि रिस्क क्या है, तो भी ये फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी. प्लेंटिफ इज कंपेल्ड टू अग्री टू अ रिस्क बाय द डिफेंडेंट. ये कह रहा, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट टू क्लेम द डिफेंस. एलिमेंट नहीं होगा तो यह है, अगर कोई मालिक जबरदस्ती अपने मजदूर से कोई काम करवाता है जिसके बारे में उसे पता है मजदूर का बहुत ज्यादा रिस्क है, वो कहे सर मैं नहीं करूंगा, ये मेरे बस का नहीं है, फिर भी कह नहीं नहीं तो हो जाएगा, तो यहां उसकी कंपेल्ड किया गया, जबरन उससे वो काम कराया गया, तो डिफेंडेंट बच नहीं पाएगा. तो सी ऑप्शन सही है, नॉट डिफेंस. ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ, अगला पैसेज आ गया है. इट इज एसेंशियल टू द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ पार्टीज शुड अग्री to the same thing in the same sense, mutual consent, याद है, which should also be a free consent, consens ad idem, matching of mind, is the sine qua non, कुछ के बदले में कुछ, of a valid agreement and one of its essential element is that a thing is understood in the same sense by the party as it understood by the other. एक वैसा बोले जैसा सामने वाला समझ रहा है, समझ रहे हो. Not only consent but free consent is provided in section number 10 of Indian Contract Act 1872 to be necessary to the complete validity of the contract. Consent is free when it works without obstacles to impede its exercise. Where there is no consent or no real and certain object of the consent, there can be no contract at all. Where there is a consent but not a free consent, there is generally a contract voidable at the option of the party whose consent was not free. पहली बात, अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं. नंबर दो, फ्री कंसेंट नहीं है तो उस पर्टिकुलर पार्टी के ऑप्शन के ऑप्शन है उसके पास के वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे जिसके साथ में जबरदस्ती की गई है. अ जनरल अवर्मेंट दैट कंसेंट वाज नॉट फ्रीली ऑप्टेंड इज नॉट इनफ. इट इज नेसेसरी टू सेटअप वन ऑफ द विटिएटिंग एलिमेंट सच एज फ्रॉड विच इंक्लूड्स फॉल्स असर्शन, active concealment, promise without intention of performing it, any other deceptive act or any act declared as fraudulent. किसी भी तरीके ने आपने consent लिए वो free consent नहीं मानी जाएगी. In order to constitute fraud, the act should have been done by the party to the contract or by any other person with his connivance. किसी और की मिली भगत से भी आपने fraud करवाया. मुझे कोई मकान बेचना है, मैंने अपने friend को बोला कि उसको जाकर समझा, उसको यकीन दिला क्योंकि वो तेरी बात मान जाएगा, उसको उकसा, उसको भड़का के ये फ्लैट ले ले, और मुझे पता है कि ये चीज उतने की नहीं है जितना मैं उसको बेच रहा हूं या मैं उसका रियल ओनर नहीं हूं, और बाय हिज एजेंट भड़काए विथ इंटेंट टू डिसीव. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटेंट टू डिसीव द अदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करवानी है. देयर इज अ नो ड्यूटी अपॉन पार्टीज to speak about fact likely to affect the other party's consent to the contract and mere silence does not amount to fraud. Unless, सिर्फ चुप रहना ही हमेशा fraud नहीं माना जाएगा, ये भी important है. Unless the circumstances of the case show that there is a duty to speak. लेकिन अगर सामने वाले ने पूछ लिया कि भाई मुझे इसके बारे में बताइए, फिर भी आप चुप हो. या सामने वाला कहता है कि आप चुप रहोगे तो मैं मानूंगा कि ये चीज सही है, फिर भी आप चुप हो. तो ये सब चीजें फ्रॉड के केस में आएगी. और साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच. ऑन द अदर हैंड, मिसरिप्रेजेंटेशन फॉल्स इनटू थ्री कैटेगरीज, और मिसरिप्रेजेंटेशन की तीन कैटेगरी है. नंबर एक, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट व्हिच इज फॉल्स वुड बी मिसरिप्रेजेंटेशन इफ द मेकर बिलीव इट टू बी ट्रू बट व्हिच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन बी पजेस. उसने झूठ बोला लेकिन उसे लग रहा था कि मैं सच बोल रहा हूं, यह मिसरिप्रेजेंटेशन है, मतलब धोखे वाली उम्मीद नहीं है. Any breach of duty which gains an advantage to the person committing it by misleading another to his prejudice, there being no intention to deceive. अब यहां पर कोई ऐसी कोई वो breach of duty कर देता है जिससे उसको तो फायदा हो रहा है लेकिन वो ये नहीं चाहते कि सामने वाले को नुकसान हो. Causing a party to agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is subject to the agreement, even though done innocently. बिना
निर्दोष हूं, मुझे भी नहीं पता कि जो मैं कर रहा था वो गलत था, लेकिन सामने वाली पार्टी को नुकसान हो गया। तो ये तीनों कैटेगरी में इस रिप्रेजेंटेशन में जाएगी। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट्स द एसेंशियल ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। तीनों के तीनों कौन सी, या मिसरिप्रेजेंटेशन की सही स्पेल क्या है, सही स्टाइल क्या है। देखिए, अभी हमने तीनों पॉइंट पढ़े। अ मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो मैं बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, विच इज मेड और अडॉप्टेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इज अनट्रू। मैं बोल रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, बिल्कुल बिना धोखे देने की नीयत से, लेकिन वो एक्चुअली सच नहीं था। तो यही एक्चुअल एसेंशियल्स हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के। आगे भी पढ़ लेते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन डू नॉट मीन द सेम। मिस रिप्रेजेंटेशन और झूठा बयान देना सेम ही तो है। इफ वन पार्टी हैज इंड्यूस द अदर टू एंटर, नहीं, इंड्यूसमेंट नहीं होता वहां पर। मिसरिप्रेजेंट हो इनोसेंटली एनी मटेरियल फैक्ट स्पेशली विन इज ओन नॉलेज द पार्टी मिसलीड कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल अवॉइड कर सकती है। मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट होता ही नहीं है, पॉजिटिव होता है। मैं क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं मुझे भी लग रहा है कि मैं सच ही बोल रहा हूं, लेकिन मैं धोखा देने की नीयत से नहीं बोल रहा। चलिए अगला देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एन आंसर विच करेक्टली डिस्क्राइब द फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड किसे कहेंगे, तीन स्टेटमेंट है। फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशन टू डिसीव, यहीं पर साबित हो गया। धोखा देने का मतलब जानबूझकर करना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। फ्रॉड इज एक्ट ऑफ डेलिबरेट डिसेप्शन, जानबूझकर किसी को उकसाना, धोखा देना। फ्रॉड अराइज आउट ऑफ डेलिबरेट एक्टिव रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटर अबाउट अ फैक्ट। एक्टिव रोल, एक्टिवली काम कर रहा है, जानबूझकर उसके मन में है कि इसको तो धोखा देकर रहूंगा किसी भी हालत में। तो बिल्कुल सही है सर, तीनों के तीनों ऑप्शन फ्रॉड की सही डेफिनेशन देते हैं। पहले में है इंटेंशन टू डिसीव, दूसरे में है जानबूझकर धोखेबाजी करना, और तीसरे में है एक्टिव रोल निभाना, जानबूझकर सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। फ्रॉड इज इनोसेंट, सवाल ही पैदा नहीं। फ्रॉड इनोसेंट कैसे हो सकता है सर जी, फ्रॉड तो कभी भी इनोसेंट हो ही नहीं सकता। अगला देखते हैं। The principal difference between fraud and misrepresentation is that in the former, former मतलब पहला, पहला मतलब fraud, the person making the suggestion does not believe it to be true and in the latter he believes it to be true। सही कह रहा है। Fraud में हमें पता है कि सच नहीं है, लेकिन misrepresentation में हमें पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच है, बाद में वो झूठा निकलता है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, B ऑप्शन सही हुआ, exact difference देता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मिस्टर ए सेल्स कार टू वाई हिज चाइल्डहुड फ्रेंड विद अ नॉलेज दैट द कार इज डिफेक्टिव। बिफोर बाइंग द कार मिस्टर वाई सेल्स टू मिस्टर ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द कार इज परफेक्ट। अब यहां पर से नथिंग, मिस्टर ए कुछ नहीं बोलता। मिस्टर ए अपने बचपन के दोस्त बी को एक कार बेचता है। बी कहता है कि भाई देख, सच सच बता दे, कोई गड़बड़ तो नहीं, और तू चुप रहा तो मैं मान लूंगा एकदम सब सही है। मिस्टर ए चुप रहता है, तो ये फ्रॉड है। साइलेंस, जहां बोलने की जरूरत है फिर भी आप चुप रहे, तो ये फ्रॉड है। तो इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट डिसाइड द लायबिलिटी। ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच एंड हैंस अ मिसरिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हो, मिसरिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, क्योंकि उसे पता था कार इज डिफेक्टिव है, वो उसे पहले से पता था। ए लायबल, नॉट लायबल कैसे हो सकता है। ए इज लायबल फॉर फ्रॉड एंड, नहीं, यहां सिर्फ वो फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने फ्रॉड किया है। तो ए साइलेंस इज स्पीच एंड हैंस अ फ्रॉड, फ्रॉड है, जानबूझकर चुप रहा। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज कॉन्ट्रैक्ट विच सॉरी स्टेटमेंट विल अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट बी वॉइडेबल। कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो वॉइडेबल नहीं होगा। व्हेन अ पार्टी टेक कंसेंट बाय फ्रॉड, फ्रॉड वाले केस में तो भाई साहब सामने वाले के ऑप्शन है कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा दे। व्हेन अ पार्टी टेक कंसेंट बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ऑप्शन है, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय फ्रॉड ऑप्शन है। व्हेन साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड बट द अदर पार्टी हुज कंसेंट वॉज टेकन हैज डिस्कवर्ड द ट्रूथ और हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। क्या कह रहा है कि सामने वाले के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट नॉट बी वॉइडेबल, वॉइडेबल नहीं हो सकता। देखो, अगर मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे पास ऑप्शन है,
मुझे किसी ने मिस रिप्रेजेंटेशन दी है, ऑप्शन है, फ्रॉड और धोखा दोनों हुआ है, देखो एक मिनट, इज नाइदर वॉइड, ये तो स्टेटमेंट ही गलत। अब ये क्या कह रहा है, मैंने सामने वाले को बोला, वो कोई आया पर्सन आया मेरे पास, ये मकान खरीदना है, मैंने कहा ओके डन है, मैंने कहा कितने में बेचोगे, मैंने, उसने बोला 10 लाख रुपए। मैंने कहा यार इस एरिया में तो मकान की कीमत 50 लाख की है। मैंने पता लगवाया, मेरे पास पूरी की पूरी डिलीजेंसी थी, सतर्कता थी, मैंने पता लगवाया, मुझे पता चला कि ये मकान एक बूढ़ी औरत का है जो इस दुनिया में नहीं है और उसका कोई वारिस नहीं, मतलब वो लीगल ओनर नहीं था, समझ रहे हो। मैंने कहा यार 10 लाख में तो ठीक है ले लेते हैं। तो ऐसे केस में अब मेरे पास उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। बाद में गवर्नमेंट ने उस मकान पर कब्जा कर लिया कि ये तो फ्रॉड कर रहे हो आप, धोखेबाजी कर रहे हो। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकता था, जानबूझकर लालच में आकर उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मारी तो 10 लाख भी डूबे ही डूबे जो मैंने उसको दे दिए, समझ गया, मकान तो गया 10 लाख भी डूबे। तो ध्यान रखना ऐसे में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला पैसेज देखते हैं, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हूम इट इज मेड। मैंने किसी को ऑफर दिया, सामने वाले के दिमाग में वो चीज चिपक गई, जब उसको पता चली, जब उस तक वो कम्युनिकेशन पहुंचा तो कंप्लीट मानी जाएगी उसके लिए। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल। अब जिस दिन उसने वापस जवाब भेजा और उसके कंट्रोल के बाहर हो गया कि वो जवाब बदल नहीं सकता, तो उस दिन माना जाएगा कि जब मेरे पास पहुंच गया, मुझे वापस नॉलेज हो गई कि हाँ वो एग्री है, तो ये माना जाएगा उसकी तरफ से भी कंप्लीट है। सर द प्रोविजन मेक नो डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द ऑफर, ऑफर की पोजीशन में कभी डिफरेंस नहीं होगा। ऑफरर बिकम्स बाउंड व्हेन अ प्रॉपरली एड्रेस एंड एडिक्वेटली स्टाम्प्ड लेटर टू एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। ऑफरर कहां से बाउंडेशन शुरू होगी उसको कंप्लीट करने की, जिस दिन मैंने किसी को ऑफर दिया है प्रॉपर स्टाम्प के साथ, जब मैंने रवाना कर दिया तो मेरी तरफ से मैं बाउंड हो गया हूं क्योंकि मैंने ऑफर दे दिया है। एक्सेप्टर डज नॉट बिकम बाउंड बाय मियरली पोस्टिंग हिज एक्सेप्टेंस, ही बिकम्स बाउंड ओनली व्हेन हिज एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। सामने वाले ने वापस रिप्लाई दिया, अभी भी बाउंड नहीं है। रास्ते में है, अभी भी बाउंड नहीं है। लेटर पोस्ट में पहुंचा, अभी भी बाउंड नहीं, सामने वाला अभी भी बाउंड नहीं है। जिस दिन लेटर मेरे हाथ में आ गया और मुझे पता चल गया कि सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है, अब वो बाउंड होगा। मैं कब बाउंड होगा, जब मैंने लेटर पोस्ट किया मैं बाउंड, सामने वाले लेटर पोस्ट किया नॉट बाउंड, रास्ते में है नॉट बाउंड, मेरे तक पहुंच गया अब वो भी बाउंड, समझ गए ना। कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एट द प्लेस, प्लेस प्लेस कॉन्ट्रैक्ट कब कहां कहां किस जगह पर कंक्लूड माना जाएगा, फ्रॉम वेयर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिस्पैच्ड। जहां पर वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ वहां पर, ठीक है, द एड्रेस एट विच द प्रपोजल वॉज सेंट, जिस एड्रेस पर विच द प्रपोजल वॉज सेंट, जहां पर प्रपोजल भेजा गया, द कोर्ट एट द प्लेस वुड हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन अ कॉज ऑफ एक्शन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। दिस रूल दैट द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन द लेटर इज पोस्टेड इज प्रोबेबली इंटेंडेड टू अप्लाई ओनली व्हेन द पार्टीज आर एट डिस्टेंस एंड दे कम्युनिकेट बाय द पोस्ट। वेयर हाउएवर द पार्टीज आर इन ईच अदर्स प्रेजेंस थ्रू सेपरेट इन अ स्पेयर दे आर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन एज फॉर एग्जाम्पल बाय टेलीफोनिक नो कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज अंटिल द ऑफरर रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। टेलीफोन वाले में बड़ा सिंपल है, मैंने फोन किया, मैंने ऑफर दिया, सामने वाले ने फोन करके मुझे वापस जवाब दिया, कंक्लूड हो गया। पोस्टिंग वाला तो वहां है जहां दूर दूर रहते हैं, पोस्टिंग वाला तो वहां है जहां पर दूर दूर रहते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन को देखिए समझते हैं, एस वॉन्टेड टू परचेज शेयर ऑफ अ कंपनी एंड कम्युनिकेटेड हिज ऑफर टू बाय शेयर ऑन मार्च 1, 2021। एस चाहता था, उसने क्या किया, ऑफर भेजा है शेयर खरीदने का 1 मार्च को,
लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर एड्रेस टू एस विच इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर टू परचेज शेयर वॉज पोस्टेड बाय द कंपनी ऑन March 10, 2021। मार्च 10 को कंपनी ने लेटर भेजा बायर, बट द लेटर नेवर रीच्ड एस, एस के पास कभी पहुंचा ही नहीं, रास्ते में खो गया। इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ध्यान से पढ़ लो, एक बार देख लो अच्छे से समझ लेना। देखिएगा, देखते हैं इसको। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट एज अगेंस्ट एस एंड हेंस देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एस एंड द कंपनी। हमने जो पढ़ा उसमें क्या था कि जो ऑफर देता है उसकी तरफ से तब कंप्लीट माना जाएगा जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया, जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया। और मैंने तो ऑफर दिया, मैं एस हूं, मान लो मैंने ऑफर दिया तो मेरी तरफ से कब हो गया, जब मैंने लेटर पोस्ट कर दिया। सामने वाले की तरफ से कब होगा, जब तक मेरे नॉलेज में वो चीज नहीं आ जाए तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो देखते रहना। तो यहां पर अभी वैलिड नो वैलिड की बात नहीं हो रही है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट एस, हाउएवर नॉट कंप्लीट अगेंस्ट द कंपनी। देखना, ध्यान से सुनना। ऑफर किसने दिया है, एस ने दिया है। तो मतलब अगर एस पर केस होने की कोशिश करें तो एस पर केस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ऑफर दिया था कम्युनिकेशन के लिए, फाइनल हो गया। सामने वाले ने, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया अपने मन में। 10 तारीख तक एक्सेप्टेंस उसके पास रही, एस को अभी भी कुछ नहीं पता। बाद में कंपनी ने लेटर पोस्ट किया, वो मुझ तक नहीं पहुंचा। बस ये सीन है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द कंपनी, हाउएवर नॉट कंप्लीट अगेंस्ट द एस। ये ऑप्शन इसका सही होगा, समझ रहे हो। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट में तो मैंने भेज दिया ना, कंपनी के अगेंस्ट में तो मैंने भेज दिया, कंपनी को तो पता चल गया, कंपनी तक पहुंच चुका है। मेरे तक कंपनी का लेटर कहां पहुंचा है भाई, मुझे, मैं तो अभी भी ख्यालों में ही हूं कंपनी मुझे शेयर देगी या नहीं देगी। मेरे तक अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, समझ गए। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। चलिए अगला देखते हैं। ए हु इज इन मुंबई, ए मुंबई में है, ऑफर करता है बी को जो दिल्ली में रहता है। तो देखो, ए कहां है, मुंबई में, बी कहां है, दिल्ली में। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लॉजिकल मतलब लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। वाया मोबाइल फोन कॉल, ठीक है। ड्यूरिंग द सेम कॉल एज ऑफर इज एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली एक्सेप्टेड बाय बी। ए फोन करता है बी को, बी ए का ऑफर एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, किसने, बी ने, ठीक है। According to the terms agreed between A and B, goods are supplied at Pune and payment is to be made electronically. In the given situation, where is the contract concluded? Contract की जगह बताओ। देखो, पुणे से कोई मतलब नहीं, सामान कहीं पे भी भिजवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था जगह की बात करोगे, place की बात, तो जहां पर acceptance मिली उसको final माना जाएगा। A ने offer दिया, कहां से phone किया, मुंबई से। बी ने कहां पर फोन उठाया, दिल्ली से। बी ने वापस एक्सेप्टेंस दी, कहां पर एक्सेप्टेंस फाइनल हुई है, मुंबई में। तो कंक्लूड कहां होगा, मुंबई में। कंक्लूड कहां होगा दोस्तों, मुंबई में। बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स कहां पर है, गांधीनगर में, ऑफर करता है वाई को। कहां पर रहता है वाई, जम्मू में। तो एक्स कहां है, गांधीनगर, वाई कहां है, जम्मू। ईमेल से भेजता है, कब भेजता है, 15 जनवरी 2021 2:03 पर ईमेल भेज देता है। एक्स ऑफर इज एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई एन ईमेल सेंट ऑन January 15, 2021 4:04। वाई वो ईमेल देखता है, एक्सेप्ट कर लेता है, नया ईमेल भेजता है कि हाँ भाई मुझे मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। कब भेजता है वो, 4:04 पर। द ईमेल कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस इज रीड बाय एक्स ऑन January 15, 2021 7:05। इन द गिवन सिचुएशन व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम टाइमिंग की बात करें तो थोड़ा अच्छा फैक्चुअली समझ लेते हैं। हमारे पास दो लोग हैं, एक है एक्स और दूसरा है वाई।
कहाँ रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने टाइमिंग पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? व्हेन, व्हेन मतलब टाइमिंग की बात है। ऑप्शन में भी सारे के सारे आपके पास टाइमिंग ही है, समझ रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखना ध्यान से। इसने ऑफर कब भेजा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कह रहा है व्हेन इट्स कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड, फाइनल टाइमिंग बताओ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक्स ने ऑफर भेजा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई ने वो चीज एक्सेप्ट करके एक्स तक कब पहुंचा दी है, 4:04 पर। तो Y के पास पहला काम क्या हुआ, Y ने सबसे पहला काम किया है 4:04 पर ईमेल अपने घर से पोस्ट कर दिया, ये Y है। आगे देखो उसकी एक्सेप्टेंस, वो रीड कितनी बजे हुआ, X ने उस चीज को रीड किया 7:05 पर। तो X ने वापस इसको मतलब जवाब तो नहीं भेजा, लेकिन X ने समझ लिया, रीड कर लिया कितने बजे, 7:05 पर। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, एक्स ने रीड किया। तो अब यही है, अब ध्यान से सुनो, अगेंस्ट एक्स, अगेंस्ट एक्स, एक्स के अगेंस्ट में कब कंक्लूड हुआ, 4:04 पर, और वाई के अगेंस्ट में कब होगा, 7:05 पर। देखे यहां पर ध्यान से सुनो, सबसे पहले वाई ने जवाब दिया, किसने जवाब दिया है, वाई ने। तो वाई ने कितने बजे जवाब दिया, 4:04 पर। तो जब ये जवाब 4:04 पर इसकी पास से पोस्ट करके, ये एक्सेप्टर है ये ऑफरर है, तो मैंने क्या बोला था, एक्सेप्टर जब एक्सेप्ट कर लेता है उस पर्टिकुलर डेट, उस पर्टिकुलर जगह, उस पर्टिकुलर टाइम पर एक्स जो है वो बाउंड होगा, क्योंकि यहां पर सबसे पहले तो इसी ने ऑफर दिया था ना, ये बाउंड होना शुरू हो गया, कौन, एक्स। 4:04 के बाद इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उस एक्सेप्टेंस को रिसाइंड कर सके। वाई के पास अभी भी ऑप्शन है, हो सकता है 4:06 पर दूसरा ईमेल भेज दे, सॉरी उससे पहले ये ईमेल नहीं पहुंचे, उससे पहले दूसरा ईमेल भेज दे कि भाई मुझे नहीं करना, अभी इसके पास ऑप्शन है, तो ये बाउंड नहीं है। लेकिन ये तो हो गया यहीं पर बाउंड कि अब इसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। 7:05 पर एक्स ने ये ईमेल पढ़ा, अब वाई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन पहुंच चुकी है, वाई के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इससे मुकर जाए, नाटक करे। तो यहां पर 7:05 पर वाई बाउंड हो गया, अब ये मुकर नहीं सकता, नाटक नहीं कर सकता। एक्स कितने बजे नाटक नहीं कर सकता, 4:04 पर, जिस दिन इसने, जिस टाइम पर इसने अपने घर से भेज दिया। और ये नाटक कब नहीं कर सकता, 7:05 पर, जिस दिन इसने, जिस टाइम पर इसने पढ़ लिया, समझ गए। तो पहला ही ऑप्शन राइट है आपका, अगेंस्ट एक्स, एक्स अब कितनी बजे के बाद नाटक नहीं कर सकता, 4:04 के बाद वो नाटक नहीं कर सकता, क्योंकि वहां से तो फ्री हो गया, उसने तो भेज दिया। वाई कब नाटक नहीं कर सकता, 7:05 के बाद, जिस दिन उसने पढ़ लिया, जिस टाइम पर उसने पढ़ लिया, अब वो नाटक नहीं कर सकता। 4:10 पर अगर वाई एक और ईमेल भेजता कि मुझे मंजूर नहीं है, तो 4:04 पर भले ही वो पहुंचता, उसने पढ़ा कब है, 7:05 पर, और हो सकता है 7:07 पर ये वाला ईमेल पढ़ता जिसमें एक्सेप्टेंस थी, और 7:05 पर वो वाला ईमेल पढ़ता जिसमें नॉन एक्सेप्टेंस थी। तो पहले कौन सा माना जाएगा, नॉन एक्सेप्टेंस। तो ये केस है, थोड़ा रीजनिंग का केस है, थोड़ा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, एक्स आगरा में रहता है, ऑफर करता है सेल ऑफ सेकेंड हैंड लग्जरी कार टू वाई हु इज इन जम्मू, आगरा से जम्मू में ऑफर किया गया ईमेल के थ्रू 15। देखो अब यहां पर ऑप्शन में देखो जगह है, तो टाइमिंग पे दिमाग मत लगाओ फालतू का। हाउएवर द ईमेल डिड नॉट रीच वाई ड्यू टू द सम टेक्निकल एरर एट द सर्वर विच इज लोकेटेड इन दिल्ली, देर आफ्टर एक्स मेक अ मोबाइल फोन कॉल टू वाई। तो अब यहां पर ईमेल फीमेल की भी टेंशन नहीं है, फिर उसने बाद में मोबाइल फोन किया एक्स ने वाई को, ठीक है, एंड मेक हिम द सेम ऑफर एज वॉज मेड इन द ईमेल, डिट्टो ऑफर वापस किया इन द सेम मोबाइल फोन कॉल, द ऑफर इज एब्सोल्यूटली अनकंडीशनली एक्सेप्टेड बाय वाई इन द गिवन सिचुएशन, वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड। जगह का नाम बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर कंक्लूड हुआ। देखो एक्स ने कहां से फोन किया, आगरा से, कहां पर फोन किया, जम्मू, जम्मू से वापस फोन करके जवाब कहां पर मिला, आगरा में ही तो जवाब मिला ना, तो जहां पर एक्सेप्टेंस दी गई फाइनली, एक्सेप्टेंस के बारे में पता चला फाइनली, वही चीज वही जगह फाइनल मानी जाएगी। तो यहां पर कंक्लूड कहां हुआ है, आगरा में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
when words of acceptance are spoken into the telephone, they are put into the course of transmission to the offerer so as to be beyond the power of the acceptor. The acceptor cannot recall them in light of the given proposition. Which of the following statement is or are true? ये कह रहा है जब आप फोन पे कोई ऑफर देते हो सामने वाले से हाथों हाथ इंस्टेंटली वो बात पहुंच जाती है, उसके कानों को छू जाती है। तो ऐसे केस में आप हाथों हाथ उन वर्ड्स को वापस नहीं बुला सकते। जैसे मान लो मुझे किसी ने ऑफर दिया 5 लाख रुपए में मेरी कार बेचता हूं, मैंने कहा हाँ, तो एक सेकंड से भी मिली सेकंड में भी वो उसके कान में हाँ पहुंच गया। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता नहीं नहीं हाँ हाँ वापस आ, हाँ वापस आ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा अनट्रू है, मतलब सही और गलत का फैसला आपको करना है। देखिएगा, द कम्युनिकेशन बीइंग इंटेंटेनियस इंस्टेंटली चुटकी में द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली अराइज, बिल्कुल सच बात है। द कम्युनिकेशन इंटेंटेनियस द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज इमीडिएटली कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर एज वेल एज द एक्सेप्टर, बिल्कुल सही बात है। द कम्युनिकेशन इज नॉन, नहीं सर, विद इन चुटकी में काम होता है। द कम्युनिकेशन इज नॉन, गलत सर, चुटकियों में काम होता है, इंटेंटेनियस पोजीशन होती है, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, बाकी झूठ है। फर्स्ट और सेकंड, तो बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। तो आज की इस क्लास में हमने फिर से आधा टुकड़ा पढ़ा है 2021 के पेपर का। अगले और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।